वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। एरीज, ये आपकी बोनस रीडिंग है जनवरी और फरवरी की। और जैसे कि हम जनरल रीडिंग करते हैं, उसी तरीके से हम ये बोनस रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी जनरल प्रेडिक्शंस देखेंगे अगले एक दो महीने की, और उसके बाद यूनिवर्स के मैसेजेस और आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे एरीज। और जैसा कि मैं आपको हर एक रीडिंग में बोलती हूँ, उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। जो मैसेजेस आपको लग रहा है कि आपके लिए हैं, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज? फर्स्ट वी हैव ओके, सो बेसिकली आप कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। आप कुछ चाहते हैं लाइफ में और वो चीज़ होते हुए दिख रही है अगले एक दो महीने में। और बेसिकली ये लाइफ में कोई नया रास्ता, ये लाइफ में कुछ नया शुरू करने से रिलेटेड है, या फिर किसी नए रास्ते पे चलने से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही हैं जहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ें आप चाहते थे, और आप बेसिकली आप किसी नए रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ नया हो रहा है लाइफ में। तो आपने कुछ मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर लिया है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप किसी नए रास्ते पे चलेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा पीछे पलट पलट के देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान पुरानी चीज़ों पे भी है, बट यहाँ पे आप एक्साइटेड दिख रहे हैं अपने नए रास्ते पे चलने के लिए। तो देर इज़ ए ह्यूज चांस कि आप अपने करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर लें, आप अपने शहर को चेंज करें, या घर को चेंज करें, या जॉब को चेंज करें। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी लाइफ में बदलता हुआ दिख रहा है, जो कि आप चाहते थे, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये आपकी कोई विश है जो यहाँ पे अगले एक दो महीने में पूरी होते हुए दिख रही है। कुछ इनिशिएशन ले रहे हैं, हाँ, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एम्प्रेस है, एम्प्रेस के साथ में यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स है। सी, आपके पोटेंशियल को देख के कुछ लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं। वैसे मैं इन सब एनर्जीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, बट स्टिल यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं एरीज। एम्प्रेस मतलब कि आपका जो पोटेंशियल है वो शाइन कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आपको पता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज से लाइफ में किसी चीज़ का अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और द एम्प्रेस करंट सक्सेस नहीं बताता है, एम्प्रेस ये बताता है कि फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलेगी जिस रास्ते पे आप अभी चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलने से, या फिर अपने पोटेंशियल को यूज़ करने से। आप केपेबल हैं सक्सेसफुल होने के लिए, केपेबल हैं आप पैसों से अबंडेंट होने के लिए, केपेबल हैं आप फेम के लिए, केपेबल हैं आप लव के लिए, केपेबल हैं। और आपका पोटेंशियल देख के, या फिर आपका टैलेंट देख के, कुछ लोग हैं जो एनवियस हो सकते हैं आपसे, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करें अपने पाथ से, या फिर आपको आपके पाथ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पे लग रहा है कि आप कुछ बड़े ड्रीम्स देख रहे हैं, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपको लड़ना पड़ रहा है कुछ लोगों से अपने पाथ पे चलने के लिए। तो देर इज़ अ हाई चांस कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, और आपकी या तो फैमिली अपोज कर रही हो, या फिर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, बट कीप गोइंग, इन सब चीज़ों पे फोकस मत करिएगा। यहाँ पे एम्प्रेस देख के समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में आपके सक्सेस है एरीज। ओके, और आपको पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसके पहले, इस अभी जो रीडिंग मैं कर रही हूँ उसके पहले मैं एक बार और आपकी रीडिंग करने बैठी थी, और मैंने फर्स्ट कार्ड ही निकाला था, उसमें एम्प्रेस ही आया था, बट फॉर सम रीज़न कैमरा ऑन नहीं था, तो मुझे उस टाइम पे रिकॉर्डिंग को मैंने स्टॉप किया, मैंने फिर से आपके कार्ड शफल किए, मैंने फिर से रिकॉर्डिंग शुरू की, और फिर से एम्प्रेस आया है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आपके लिए रहने वाला है। ओके, द एम्प्रेस, आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्रेस को प्रेग्नेंट दिखाया गया है। तो एम्प्रेस को हमेशा प्रेग्नेंट क्यों दिखाते हैं?
इसका मतलब कुछ लोगों के लिए यस ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो देर इज़ हाई चांस के यहाँ पे आप प्रेग्नेंट हों, बट एट द सेम टाइम द एम्प्रेस ये बताता है कि यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग, कुछ बर्थ हो रहा है, मतलब यू आर प्रेग्नेंट विथ सक्सेस, राइट, एज हम बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को होने में टाइम लगेगा, पर ये लिखा हुआ है, इस चीज़ को होना लिखा हुआ है, तो जस्ट कीप गोइंग। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है और टू ऑफ सॉर्ट्स है। सेवन ऑफ कप्स और टू ऑफ सॉर्ट्स मेजर एक एनर्जी बता रही है, कन्फ्यूजन की एनर्जी। तो यहाँ पे अगले एक दो महीने में लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और ये कन्फ्यूजन इस चीज़ का है कि आप ये सोच रहे हैं कि अभी लाइफ में कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है या फिर किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। बेसिकली इन दोनों एनर्जीज से प्रिडिक्शन ये है कि एक प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आ सकती है या फिर जो चीज़ आपकी लाइफ को स्टक कर सकती है वो ये है कि आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें दिख रहा है कि अगले एक महीने में ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप पहले तो बहुत ही एकदम एक्साइटमेंट के साथ किसी चीज़ को फॉलो करना शुरू करें, चाहे कोई छोटी सी चीज़ हो जैसे कि आप वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ी चीज़ हो कि आप कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी ये चीज़ है यहाँ पे होते हुए दिख रही है, इस चीज़ में देर इज़ अ चांस कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो आपका डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है एरीज, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। प्रिडिक्शन आपकी देखें तो आपकी लाइफ थोड़ी सी अटक रही है आगे जाके, अभी आप चलना तो आपने बहुत अच्छे से शुरू किया है, बट आगे जाके थोड़ी सी लाइफ अटक रही है क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों एनर्जीज को अवॉइड करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये है एरीज के अपने दिमाग में अपने पाथ को बिठा लें, अपने रास्ते को बिठा लें या फिर अपने गोल को बिठा लें कि अभी आप जिस फेज़ में हैं लाइफ के उस फेज़ में किस चीज़ को करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं या एक चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम लाइफ के इस फेज में डिसाइड करें कि हमें क्या करना सबसे इंपॉर्टेंट है, किन एक दो चीजों को हैंडल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, किन एक दो चीजों पे फोकस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सेवन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, पर आप दो या तीन चीजों को हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि आप डिसाइड करो कि अभी मुझे करियर पर फोकस करना है या फिर अपनी हेल्थ पर फोकस करना है या फिर अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है। हर एक चीज पर एक साथ वर्क ना करें और अपने आप को अपने गोल्स पर फिक्स रखें, अपने गोल्स बनाएं, लाइफ को एमलेसली इधर उधर आने जाने मत दें, यू नो। तो आपको क्लैरिटी आपके दिमाग में बनानी ज़रूरी है, नहीं तो जितना अभी तक आपने मेहनत की है वो मेहनत भी ख़राब हो जाएगी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे या फिर लाइफ में क्लैरिटी आपके नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा बैठें, थोड़ा सा टाइम स्टिलनेस में बैठें, थोड़ा सा टाइम एकांत में बैठें और अपना एक रोड मैप बनाएं लाइफ का, यू नो गोल्स अपने लाइफ के सेट करें जिससे कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो बार बार, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है। एंड यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि रैदर देन फोकसिंग ऑन के आज से यू नो ऑब्सेस होना कि फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर में क्या होगा, ये करने से बेटर है कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आप गोल्स तो बनाएं फ्यूचर के, बट फोकस इस चीज़ में करें कि मैं अपने आज को कैसे बेहतर कर सकती हूँ जिससे कि मेरा कल बेटर हो। यहाँ पे आपकी रीडिंग में रूटीन्स को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है कि आपको रूटीन्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके हर एक दिन की जो सक्सेस है या फिर हर एक दिन आप जो एफर्ट लगा रहे हैं अल्टीमेटली वही चीज़ आपको सक्सेसफुल करेगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन आप सुबह उठेंगे और आप फेमस सक्सेसफुल और अबंडेंट हो जाएंगे। बेसिकली आपके कार्ड ये बोल रहे हैं कि जो हर एक दिन आप एनर्जी पुट करेंगे, जो हर एक दिन आप मेहनत करेंगे, इवेंचुअली आपकी वो मेहनत फोकस या डिसिप्लिन आपको आपके मुकाम तक लेके जाएगा। ओके एरीज, तो इसीलिए हमें अपने हेड में क्लियर रहना ज़रूरी है, एट द सेम टाइम अपने रूटीन को हर एक दिन हम क्या काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना ज़रूरी है। यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ वांड्स ही बताता है कि कोई पर्सन है जो आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहा था, कोई पर्सन है जो आप
से चीज़ें कुछ छुपा रहा था, या फिर कोई पर्सन है जो आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहा था, आपके कॉल्स के रिप्लाई नहीं कर रहा था. अब ये चीज़ आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में या करियर में भी हो सकती है कि आपके कलीग्स या फिर आपके बिजनेस पार्टनर या फिर कोई पर्सन, यू नो, या फिर आपके रिलेटिव्स या घर में भी हो सकती है, फ्रेंड्स में भी हो सकती है कि कुछ लोग हैं जो आपसे मुँह चुरा रहे हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे छुपा रहे हैं. यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी अगले 1-2 महीने में. मतलब कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो कोई पर्सन आपसे हाइड कर रहा था, या फिर किसी ऐसे पर्सन से कॉन्वर्जेशन होगी जो आपके मैसेजेस या कॉल्स को अवॉइड कर रहा था. ओके. और क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत बार लव रीडिंग भी करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लव लाइफ से आपके रिलेटेड है. यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट दिस इज समथिंग कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कोई आपसे छुपा रहा है, जो आपको जानने को मिल रही है, या फिर यू नो, कोई आपसे बात नहीं कर रहा था अभी तक, आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं दे रहा था, और उस पर्सन से आपकी अच्छी खासी कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है. उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है और 4 ऑफ सॉर्ड्स है. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपकी फैमिली में और आपके फ्रेंड्स के बीच में एक पीस बनता हुआ दिख रहा है, स्पेशली अगर आपके फैमिली में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्कल में या फिर ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था, तो अगले 1-2 महीने आपके बहुत ही पीस में गुजरेंगे, हार्मनी में गुजरेंगे या फिर शांति में गुजरेंगे. और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा सुकून, एक पीस आपका आपके आसपास के लोगों के साथ दिख रहा है, स्पेशली अगर जिन लोगों का भी कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, टॉक्सिसिटी चल रही थी, गॉसिप्स चल रही थी, मैनिपुलेशन चल रहा था, तो यहाँ पे इस मैटर में जो आसपास के आपके लोग हैं, इस मैटर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस और हार्मनी क्रिएट हो रही है. एट द सेम टाइम आप अपनी किसी लड़ाई पे गिव अप कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो आपसे लड़ रहा था, इस लड़ाई पे गिव अप कर रहा है. सबने अपनी शॉर्ट्स को डाउन कर दिया है, मतलब कि कोई किसी से लड़ नहीं रहा है. ओके. तो ये आसपास के आपके लोग हैं, कुछ लड़ाई चल रही थी तो आप गिव अप करने वाले हैं इस लड़ाई पे. यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. ये दोनों कार्ड्स आके दो डिफरेंट मैसेज हमें दे रहे हैं एरीज. पहला मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कन्या राशि, वृषभ राशि या फिर मकर राशि, जो आपकी लाइफ में एंटर करे या फिर आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी को चेंज करने में आपकी हेल्प करे. मतलब कि कोई अर्थ साइन हो सकता है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो आपकी लाइफ में, यू नो, या फिर डेस्टिनी आपको किसी अर्थ साइन से मिला रही है. ये एक बहुत ही छोटी सी प्रिडिक्शन है जो सिलेक्टेड लोगों के लिए है, बट बेसिकली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों आके ये बता रहे हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं या फिर जो आपका करियर है, आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसा कर रही है कि आपके करियर में या फिर आपके पैसों से रिलेटेड बहुत ही बड़ी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है. तो आपकी डेस्टिनी जो पैसों से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है, वो पॉजिटिव साइड पे घूम रही है, और धीरे धीरे करके आपको उस चीज़ के रिजल्ट मिलने लगेंगे. आई एम मोर ऑफ अ पर्सन जो बिलीव करता है मैनिफेस्टेशंस पे, और यू नो, कि हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं, बट कई बार इस चीज़ में डेस्टिनी या हमारे पॉजिटिव कर्माज भी रोल प्ले करते हैं. और आपके एनर्जीज में दिख रहा है कि डेस्टिनी आपके फेवर में है, मतलब कि अगर आप अपने करियर या पैसों से रिलेटेड कंसर्न्स हैं आपके, तो आप अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे या एफर्ट लगाएंगे या अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे अपने करियर में, तो यहाँ पे देर इज़ अ चांस कि कुछ बड़ा आपके हाथ लग जाए या कोई बड़ी सक्सेस आपके हाथ में लग जाए, बिकॉज डेस्टिनी आपकी जो पैसों से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है, वो आपकी साइड टर्न ले रही है. ओके. यहाँ पे ओके, आपके अंदर के फियर्स या फिर आपके अंदर का डर आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है. कुछ चीज़ है जो आपको करनी है, पर उसको करने से आप थोड़ा सा झिझक रहे हैं और थोड़ा सा डर रहे हैं, और ये चीज़ आपको लाइफ में स्टक कर रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है. आपका कोई फियर है जो आपकी लाइफ की सक्सेस से आपको रोक रहा है, आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने नहीं दे रहा है. इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि ये चीज़ क्या हो सकती है. फॉर से आपको कोई सबसे इजी एग्जाम्पल, फॉर से आपको यूट्यूब चैनल शुरू करना है, और आपको पता है कि आप में पोटेंशियल है कि आप कुछ कंटेंट क्रिएट करके यू नो ऑनलाइन डाल सकते हो, जिससे कि आप अपने करियर को ग्रो कर सको या फिर फाइनेंशियली आप अबंडेंट बन सको या फिर अपने पर्पस को फॉलो कर सको. बट जस्ट बिकॉज आपको पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी झिझक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, अब मतलब कि ये एक चीज़ आपके उस ड्रीम को पूरा होने से रोक रही है. तो
तो ये मैंने आपको बस एग्जांपल दिया था, लाइफ में किसी चीज़ का डर या पब्लिक आई में आने का डर, या फिर लोग आपको किस तरीके से देखेंगे अगर आपने ये काम शुरू कर दिया, लोग कैसे उस चीज़ को रिसीव करेंगे, कुछ लोगों के सामने इमेज का डर, या फिर लोगों का डर, या फिर अपने अंदर का कोई डर है जो आपको लाइफ में स्टक करके रख रहा है और आपकी लाइफ इस चीज़ के कारण रुक रही है। तो थोड़ा सा आपको इस पर काम करना है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे अपने काम करने की ज़रूरत है। वैसे मुझे लगता है कि एरीज वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, एरीज रेबल भी होते हैं, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से, क्योंकि हमें किसी चीज़ को करने से डर लग रहा है, या फिर शायद फेलियर का डर है, कुछ एक सबकॉन्शियस या कॉन्शियस ब्लॉक है जिसकी वजह से आप लाइफ में फंस गए हैं और लाइफ में अटक गए हैं। तो आपको अपने आप को इस स्टकनेस से निकालना है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि कार्ड्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे थ्री ऑफ वांस है और किंग ऑफ कप्स है। आप किसी किंग ऑफ कप्स का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो पर्सन आपको प्यार दे, या फिर सपोर्ट दे, या फिर आपको केयर करे, या फिर आपको नर्चर करे। देर माइट बी ए चांस कि अभी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा फ्रेंड नहीं हो, या फिर लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं हो, और आप अगले 1-2 महीने में इस चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, किसी लविंग कनेक्शन का। और ज़रूरी नहीं है अगेन कि ये रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड हो, यहाँ पे आपकी डिज़ायर बढ़ते हुए दिख रही है, इमोशनल सपोर्ट की डिज़ायर, केयर की डिज़ायर और नर्चर की डिज़ायर। और देर इज़ अ चांस कि कोई पर्सन एक्चुअली आपकी लाइफ में अपीयर हो जाए जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे या फिर अपना प्यार दे, बिकॉज़ आप अगेन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं जो चीज़ आपके इमोशंस से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और द हर्मेट की एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल और हर्मेट बता रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा सा टाइम साइड में निकालेंगे, कुछ थोड़ा सा सॉलिट्यूड में दिख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा एकांत में दिख रहे हैं, और कुछ पूरा महीना या 1-2 हफ्ते या फिर कुछ आपके दिन ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे कंप्लीटली आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। अब ये काम क्या है? काम या तो आपके करियर से रिलेटेड है, या फिर काम है आप अपने खुद को इम्प्रूव करने से रिलेटेड, या फिर काम है फैमिली से रिलेटेड। तो सारे काम से छुट्टी करके आप किसी मेजर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सारी दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ करके आप किसी मेजर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये काम बहुत ही ज़्यादा आपका सक्सेसफुल होगा बिकॉज़ आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि थोड़ा सा लैक ऑफ फोकस था, या फिर आप बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे जैसे आपके दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मोस्टली मुझे आपकी फेब्रुअरी की एनर्जी ऐसी दिख रही है, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है ये रीडिंग देख के ऑलरेडी इस चीज़ को शुरू कर दें कि आप थोड़ा सा आइसोलेशन में जा रहे हो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हो, जो भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, और आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस्ड हैं। ओके, और आप कुछ बिल्ड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो हर्मिट में आगे, हर्मिट मतलब सॉलिट्यूड होता है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल है। आपका डिज़ायर दिख रहा है किसी को ऑफर देने का, ऑफर हो सकता है रोमांटिक ऑफर, या फिर ऑफर हो सकता है, यस रोमांटिक दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप में मुझे लग रहा है कि किसी के साथ में रिलेशनशिप्स के ड्रीम देख रहे हैं अगले 1-2 महीने में, किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं और उस पर्सन को अपना ऑफर देना चाह रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ लोगों के लिए, सिलेक्टेड लोगों के लिए ऐसे कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है कि कोई पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ अपनी लाइफ को आप इमेजिन कर रहे हैं, या ऑलरेडी जिसके साथ आप रहते हैं, उस पर्सन को आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अच्छा टाइम थोड़ा उस पर्सन के साथ स्पेंड करेंगे, या फिर कुछ अपना ऑफर देंगे। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि ऑफर कैसा जाने वाला है, बट आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ वांड्स की और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन भी आते हुए दिख रहे हैं अगले 1-2 महीने में, तो कुछ आप सेलिब्रेट करें, ये किसी की चीज़ की सक्सेस हो सकती है, बट एट द सेम टाइम ये किसी की वेडिंग भी हो सकती है, किसी की शादी भी हो सकती है,
कोई हैंग आउट भी हो सकता है आपका आपके फ्रेंड्स के साथ में, हो सकता है आप बाहर ट्रैवल करें या फिर किसी शादी में जाएं या फिर कुछ सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पे कुछ हैपनिंग चीज़ें भी आपकी लाइफ में एक दो महीने में होते हुए दिख रही है एरीज़। अब चलिए आपकी गाइडेंस की पार्ट पे आते हैं। ओके, हाइबरनेशन और रीजनरेशन। हाइबरनेशन और रीजनरेशन, थोड़ा टाइम एकांत में निकालना या फिर थोड़ा टाइम सॉलिट्यूड में रहना, खुद को हील करना, रिलैक्स करना और आने वाले हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हाइबरनेशन बता रहे कि थोड़ा समय आपको चाहिए रेस्टिंग के लिए, थोड़ा समय आपको चाहिए हीलिंग के लिए, थोड़ा समय आपको चाहिए अपने दिमाग को शांत करने के लिए, पुराना जो कुछ भी हुआ है उसे डाइजेस्ट करने के लिए और आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैसेज ये है कि थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा यू नो खुद को रिलैक्स करें। ऐसी कुछ एक्टिविटी करें जो आपको रिलैक्स करे, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर वॉक पे जा सकते हैं या फिर किसी फ्रेंड के साथ में हैंग आउट कर सकते हैं। कुछ दिन आपको मेंटल और फिजिकल ब्रेक चाहिए इससे पहले कि आप कोई बड़ी जर्नी शुरू करें। और जो लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को प्लीज़ समझिए कि अगर आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा क्योस है लाइफ में, कोई ड्रामा चल रहा है, इससे ये बात हुई, उससे वो बात हुई, तो भी ना थोड़े आपके दिमाग को भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और कुछ करें जिससे आप रिलैक्स हों। और सबसे पहले तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दें यूनिवर्स पे कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, ये क्योस मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, दिस एंड दैट। तो अपने दिमाग के स्ट्रेस को यू नो यूनिवर्स पे पहले तो सरेंडर करें। दूसरी चीज़, अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है या बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा है या फिर ओवरवेलमिंग फील हो रहा है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हों चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स हों, और आपका दिमाग चुप ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चले जा रहा है और उसकी वजह से आप बहुत थकान या टायर्डनेस फील कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप जर्नलिंग करें कुछ दिनों के लिए, जहाँ पे आप एक पेपर और पेन लें और जितना भी अपने मन में गुस्सा भरा हुआ है या डर भरा हुआ है वो सारा, किसी भी पर्सन से ग्रज भी अगर हो तो वो सारा का सारा उस पेपर पे उतार दे, जितना भी आपका फ्रस्ट्रेशन हो। अगर आपको डर लगता है कि कोई पढ़ ना ले तो लिखने के बाद में उस पेपर को फाड़ के फेंक दें, बट अगर आपका माइंड स्ट्रेस में है और हमें ये साइन मिला है कि माइंड को रिलैक्स करना है तो वो फ्रस्ट्रेशन आपको कहीं ना कहीं निकालनी है, तो पेपर लीजिए और उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन लिखना शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन भी करेंगे ना तो आपका दिमाग इतना रेस करना बंद करेगा और थोड़े से आप काम होंगे। जब आप काम होंगे तो आपको फ्यूचर की क्लैरिटी भी ज़्यादा बेटर तरीके से मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, आप बेटर फील करेंगे, आप एनर्जाइज फील करेंगे, आप रिफ्रेश्ड फील करेंगे। तो अगर ये स्ट्रेस दिमाग में है तो दिमाग से ऐसे स्ट्रेस को निकालें। अगर हम दिमाग में ओवरवेल्मिंग फील करते हैं या बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं तो उसको काम करने का दूसरा बहुत अच्छा तरीका होता है एक्सरसाइज करना या वॉक पे जाना, तो वॉक पे निकल जाएं या फिर एक्सरसाइज करें जिससे कि जो एनर्जी है, टॉक्सिसिटी है, वो थोड़ी सी सेटल हो। और अगर आप फिज़िकल वर्क भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर ये मेंटल नहीं है और फिज़िकल है कि फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो भी आपको 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए जिससे कि आप आगे अपने जो गोल्स हैं या जो काम आपको आगे करना है उसके लिए आप 100% प्रिपेयर हो जाएं। तो हमें बेसिकली एक रीस्टार्ट बटन दबाना है जहाँ पे हम अपने आप को रिफ़्रेश करके और आगे की लाइफ को जीना हम शुरू करें अच्छे माइंड के साथ में। हीलिंग वाटर भी यही बता रहा है कि थोड़ी से हीलिंग की ज़रूरत है, तो अपनी हीलिंग पे फोकस करिए यहाँ पे एरीज़। और हीलिंग पे जब तक फोकस नहीं करेंगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लाइफ में कुछ और काम करने का, या फिर दिमाग इतना सेटल नहीं रहेगा कि हम सही डिसीज़न ले पाएँ। ये चीज़ को ध्यान रखिए कि जो भी गोल्स पे आप वर्क करना चाहते हैं उस पे वर्क करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत है। तो हमें हीलिंग करना है, फोकस ऑन योर हीलिंग, और उसके बाद है मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी।
मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एरीज़, बिकॉज़ मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लियर होगा कि आपको किस पाथ पे आगे बढ़ना है। मेडिटेशन से क्लैरिटी हमें कैसे मिलती है, मैं आपको वो लॉजिक भी समझाती हूँ। जब हम मेडिटेशन सी अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएं, या फिर आप किसी चीज़ का साइन मांग रहे हैं, तो हम तो यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछते जाते हैं, बट कई बार हम रिसीविंग एंड पे नहीं रहते हैं, हम उस स्टिलनेस में नहीं रहते हैं, या फिर हम उन वाइब्रेशंस में नहीं रहते हैं जहाँ पे यूनिवर्स की बातें हमें क्लियरली सुनाई दें। तो जो क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी है वो आंसर मिलने की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे के आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से सॉल्व करें, ऐसी कुछ भी चीज़ है, वैसे तो आपको कई सारे साइंस, टैरो रीडिंग या बाकी चीज़ों से भी मिल सकते हैं, बट आई एम श्योर कि आपकी एक यूनिक जर्नी होगी, आपका एक यूनिक पाथ होगा एरीज, और आपके मन में कुछ खुद के क्वेश्चंस होंगे, तो उनका आंसर्स आपको तभी मिल सकता है जब आप उस फ्रीक्वेंसी में आए, या फिर आप अटरली एकदम बहुत ही ज़्यादा काम स्टेट ऑफ माइंड में रहें। और जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो जिन लोगों ने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया है, आपको मेडिटेशन नाम सुन के लग सकता है कि बहुत ही बोरिंग है, या फिर बहुत ही बड़ी प्रोसेस है, मुझसे नहीं हो पाएगी, मैंने ट्राई किया था नहीं हुई, बट एक्चुअली मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो 10 मिनट भी अगर आप डेली मेडिटेशन करें तो भी अच्छा होगा। आप मेडिटेशन करते करते अगर 2-4 दिन में भी इस पॉइंट पे आ गए कि आप अगर 15 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करने बैठे हैं, और एक बार भी आपने हायर फ्रीक्वेंसी को टच कर लिया, उस 15 मिनट में अगर 10 सेकेंड भी आप हायर वाइब्रेशन में चले गए, तो यूनिवर्स के मैसेजेस आपको क्लियरली सुनाई देने लगेंगे, कोई कन्फ्यूजन लाइफ में नहीं होगा, आपको पाथ अपना क्लियर आगे दिखता जाएगा। मेडिटेशन सिर्फ क्लैरिटी के लिए नहीं, अगर आपके कुछ मैनिफेस्टेशन हैं और कुछ प्रेयर्स भी हैं आपके जो आप पूरी करवाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन एक सबसे अच्छा तरीका होता है उस चीज़ को पूरा करवाने के लिए। मेडिटेशन के फ़ायदे 10,000 हैं। मैं एक दो चीज़ मैं जितना बोलूँ उतना कम है। आप अपनी फिजिकल इलनेस, आप अपनी मेंटल इलनेस, एनजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ, लाइक 80% बेटर हो जाएगी अगर आपने डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। आपको 30 डेज में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म होते दिख जाएगी। और मैंने इसीलिए इतना बोला है कि ये जो हीलिंग वाली चीज़ है या दिमाग को रीसेट करने वाली चीज़ है, दुनिया में अगर सबसे आसान तरीका कुछ भी काम करने का है तो वो है मेडिटेशन, चाहे आप स्टडीज़ क्यों ना कर रहे हो, कुछ भी कुछ भी। उसके बाद है अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। यहाँ पे आपको अफर्मेशंस बनाने के लिए और अफर्मेशंस यूज़ करने के लिए भी यूनिवर्स सजेस्ट कर रहे हैं एरीज, तो अपनी अफर्मेशंस बनाएं और अपनी अफर्मेशंस बोलें। अफर्मेशंस आप यूज़ करेंगे तो अगेन आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। पहले अपनी अफर्मेशन बनाएं कि लाइफ में किस चीज़ की कमी है और लाइफ में आप क्या चाहते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों फियर में हैं, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं, या फिर एग्जैक्टली हमें लाइफ में क्या चाहिए, तो पहले तो बैठ के सोचने की ज़रूरत है। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या पॉजिटिविटी की कमी है, क्या क्लैरिटी की कमी है उसके, या पैसों की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, और उसके लिए फिर अपनी अफर्मेशन बनाएं। फॉर से आपको लाइफ में ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका अगला स्टेप क्या है, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो अपनी एक अफर्मेशन रेडी करें कि मैं लाइफ में क्लियर हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइन हर दिन रास्ता दिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। अगर आप लाइफ में खुश नहीं हैं फॉर एनी रीज़न, तो छोटी छोटी अफर्मेशंस बनाएं कि मैं लाइफ में खुश हूँ, मैं लाइफ में अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे अर्थ पे अच्छा लगता है, आई लव द अर्थ एक्सपीरियंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप अपनी अफर्मेशंस कैसी भी बना सकते हैं। आप जो चीज़ चाहते हैं आई एम सॉरी, उसे आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। एट द सेम टाइम पहले तो फिगर आउट करें कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, और अगर आप
के बहुत बड़े गोल्स हैं, तो उन गोल्स को छोटे छोटे स्टेजेस में डिवाइड करें जिससे कि वो मैनिफेस्टेशन आपका जल्दी आ सके. ओके, तो जैसे कि अगर आपका कोई बहुत ही बड़ा सपना है, फॉर से मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए अपियर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ है, और वो एग्ज़ाम आज से 6-7 महीने बाद आने वाली है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है उस एग्ज़ाम में, तो डायरेक्टली ये अफर्मेशंस मत बनाइए कि मैं उस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन को इतना ज़्यादा एनर्जेटिक मोमेंटम एनर्जी का चेंज डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका ब्रेन इस चीज़ पे यकीन नहीं करेगा. तो आप इसे छोटे छोटे अफर्मेशंस में डिवाइड कर सकते हैं कि इनिशियल कुछ डेज़ आप ये अफर्मेशन बनाएं कि मैं अच्छे से स्टडीज़ कर रही हूँ, या फिर मैं स्टडीज़ पे फोकस हूँ, या फिर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ. फिर 1-2 महीने बाद जाके उस अफर्मेशंस को बड़ा करें. जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो अचानक से ये अफर्मेशन मत बनाएं कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सब कुछ परफेक्ट है. ये अफर्मेशंस बनाएं कि मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ, आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो ऐसे करके अपनी अफर्मेशंस बनाएं और पॉजिटिव चीज़ों को अफर्म करें. और ये कार्ड आता है तो हमें ये भी बताता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल रहना है कि आप अपने मुँह से क्या बातें निकाल रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर कभी अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करके या किसी को भी कॉल करके या किसी से भी बातें कर रहे हैं तो सिर्फ नेगेटिव ही बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये बुरा है, वो बुरा है मेरी लाइफ में. बिकॉज हर एक शब्द जो निकाल रहे हैं आप, आज जो बातें बोल रहे हैं वो आपके कल को क्रिएट करेगा. तो दिन भर अपनी लाइफ को लेके अफसोस करने से बेटर है कि एक बार जर्नलिंग करें और पेपर पे सारा कुछ जितनी भड़ास है अपनी पूरी निकाल दें, और दिन भर उसे हर किसी से डिस्कस मत करें. ओके, बिकॉज आप जो अपने मुंह से बातें बोल रहे हैं, आपकी आज जो आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और जो बातें बोल रहे हैं, वही बातें आपके कल को क्रिएट करेंगी. ओके, तो बी लिटिल माइंडफुल कि हम अपने मुंह से अच्छा निकाल रहे हैं कि बुरा निकाल रहे हैं. उसके बाद है स्पीक योर माइंड. स्पीक योर माइंड ये बोलता है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है या जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा लोगों को बताएं. अब ये बहुत ही मल्टीपल तरीके से ये मैसेज को हम डिपिक्ट कर सकते हैं. स्पीक योर माइंड, जो मन में है वो लोगों को बोलें. अगर आपको लोगों की किसी बात से प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ लोगों की बातों से हर्ट होता है, तो उन्हें बताएं कि आप ये जो बिहेवियर मेरे साथ करते हैं मुझे ये पसंद नहीं है. बी ओपन और पीपल प्लीजिंग ना करें. मतलब जो अपने रियलिटी है, जो अपने अंदर का सच है, क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, क्या चीज़ पसंद आ रही है, ये दोनों चीज़ें लोगों को बताएं. स्पीक योर माइंड. कुछ भी आपको मन में रखने की या किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. अब ये आपके काम में भी हो सकता है अप्लाई हो, और मल्टीपल चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है. उसके बाद आपके के लिए मैसेज है लिसनिंग टू विजडम. आप ज्ञान की बातें सुन तो रहे हैं, पर आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं अपने आप पे. यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है एरीज़, कि बस सुनना नहीं है आपको. आपको जो भी नॉलेज आप सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ क्लिक कर रहा है तो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको 1-2 पॉइंट्स भी अच्छे लगे इस वीडियो में, या फिर आपको लगा कि ये मैसेज मेरे लिए था, मुझे ये लाइफ में करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि बस आपको सुन के थोड़ी देर के लिए अच्छा फील नहीं करना है, उन चीज़ों को आपको लाइफ में अप्लाई करना है जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकें. गेटिंग मी, समझ में आए आपको मैसेजेस? फॉक्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम. ओके, ये मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है कि हमें थोड़ी सी लाइफ में लैक ऑफ क्लैरिटी है. लाइफ में शायद से बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में खड़े हों जहाँ पे आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है. आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं, या फिर मेरी मैरिड लाइफ का कोई फ्यूचर है या नहीं, या मेरे करियर का कोई फ्यूचर है या नहीं, या मैं ये जॉब कर रही हूँ उसका फ्यूचर है या नहीं. प्रॉब्लम यह है कि फॉग्ड इन, जैसे कोहरा छा जाता है ना आँखों के सामने, उस सिचुएशन में आप दिख रहे हैं कि आपको दूर का दिख नहीं रहा है और क्लैरिटी नहीं है. तो क्लैरिटी के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं. अब यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग के फ्यूचर को लेके आपको डरना नहीं है,
फियर में नहीं रहना है कि फ्यूचर में क्या होगा, रैदर देन दिस फ्यूचर की गोल्स को सेट करिए और मैनिफेस्ट करिए, और वन डे एट ए टाइम आपको लाइफ को अभी जीना है। गो स्लो टेक टाइम, धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़ें, एकदम से सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश मत करें। ओके, मतलब कि जब हमें दूर का नहीं दिख रहा है तो हम अपने पहले और दूसरे स्टेप पे ही सिर्फ फोकस करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉर सम रीज़न आपका रूटीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कि आप डे टू डे रूटीन में अपने क्या काम कर रहे हैं। जैसे ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अभी वैसे भी ठंड का मौसम है, आप सुबह उठेंगे इतना ज़्यादा कोहरा रहता है, एटलीस्ट मेरे शहर में बहुत ज़्यादा कोहरा है कि एक्चुअली दिखता नहीं है कि आगे रोड पे क्या है। तो जैसे हम कोहरे में रहते हैं और कोहरे से हमें आगे की सड़क नहीं दिखती है, बट जब हम एक स्टेप लेते हैं तो हमें एटलीस्ट इतना दिख जाता है कि हमें अगला स्टेप क्या लेना है। हम फिर अगला जब अपना स्टेप लेते हैं तो हमें तीसरा स्टेप दिख जाता है, हम जब तीसरा स्टेप लेते हैं तो हमें चौथा दिख जाता है, चौथा लेते हैं तो पांचवा दिख जाता है। बट जब आप स्टेप वन पे थे तब आपको स्टेप फाइव नहीं दिख रहा था, बट जब आप स्टेप फोर पे गए तो आपको स्टेप फाइव दिख गया, राइट? तो इसीलिए लाइफ में अगर क्लैरिटी नहीं भी मिल रही है तो आपको ये सोचना है कि मैं आज अपना कैसे बेहतर बना सकती हूँ, आज मुझे क्या एफर्ट लगाने, आज मुझे कैसे ज़िंदगी जीनी है, बाकी आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है धीरे धीरे आपको दिख जाएगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत होइए कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर आपको दिखने लगेगा। ओके, अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़े से अगेन नैरो पाथवे है, आपको अपने लाइफ के फ्यूचर से ऐसा डर लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ऐसा मैसेज है कि थोड़ा सा डर लग रहा है, यू नो, लाइफ में जो आपको लग रहा है लाइफ का रास्ता बहुत ही टफ है, खुश रहना बहुत टफ है, पैसे कमाना बहुत टफ है, प्यार मिलना बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। ओके, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और अपनी फैमिनिन एनर्जी दोनों का यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ें। मतलब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, एक्शन लेने वाली, गो गेटर वाली, आप कोई एक्शन लेते हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी है। आपकी फैमिनिन एनर्जी क्या है, मैनिफेस्टेशन करना, प्रेयर्स करना, अफर्मेशंस बोलना। तो दोनों चीज़ों का यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ें तो आपको लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। और अगर आपको फ्यूचर मुश्किल लग रहा है तो पहले तो मैनिफेस्ट करें कि आपको डर नहीं लग रहा है लाइफ में, यू नो, आपको लाइफ नॉर्मल लग रही है, न्यूट्रल लग रही है। उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बिकॉज ये कार्ड दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि फ्यूचर में थोड़ा डर है। डरने की कोई बात नहीं, आप कर लेंगे नेविगेट। यहाँ पे है स्टेइंग फोकस्ड, आई थिंक ये एक ऐसा कार्ड है जो ऑलमोस्ट हर एक रीडिंग के लिए आ रहा है, और ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टेइंग फोकस्ड, लाइफ में थोड़ा सा फोकस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है होल्ड द कोर्स, ओ माय गॉड, होल्ड द कोर्स, मतलब कि जो रास्ता हम तय कर रहे हैं उस रास्ते पे चलिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है कि लाइफ में अभी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। यू नो, मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ जो मैं अक्सर इस तरीके को यूज़ करती हूँ। जब मुझे लाइफ में समझ में नहीं आता है कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या नहीं, या फिर मुझे आज क्या करना चाहिए कि मुझे कल को रिग्रेट ना हो, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि 5 साल बाद अगर मैं पीछे पलट के देखूँगी और आज की अपनी लाइफ को इमेजिन करूँगी तो मैं क्या सोचूंगी कि मुझे क्या उस टाइम पे कर लेना चाहिए था। मतलब आज ये रिग्रेट करने से बेटर है, आज ये रिग्रेट करना कि कल काश मैं ये कर लेती से बेटर है कि ये इमेजिन करें कि अगर 5 साल आपके निकल जाएंगे और आप आज से अगर 5 साल बाद बड़े हो चुके हैं, 5 साल बड़े हो चुके हैं, तो आप पीछे पलट के खुद को क्या बोलेंगे कि यार ये कर लेना चाहिए था तो आज मैं यहाँ पे होती, यू नो। तो इसीलिए फोकस्ड अभी लाइफ, मैंने आपको ये मैसेज क्यों दिया है क्योंकि आपको ये फिगर आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लाइफ में अभी क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आपको उस पे मैसेज कर, उस पे फोकस करना है। और आपका लास्ट मैसेज है वंडरस यूनिवर्स वॉक इन ब्यूटी, मैजिक इज ऑल अराउंड यू। अगर आप ट्रस्ट रखेंगे यूनिवर्स पे, अगर आप ट्रस्ट रखेंगे कि मैजिक एग्जिस्ट करता है, अगर आप ट्रस्ट रखेंगे कि यूनिवर्स आपके साथ में है, इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट रखेंगे तो आपको मैजिक हर तरफ से एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ओके एरीज, सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड I'll see you next time. Bye.